मेन बात इसमें दिखाई गई है ये 4G और 5G, कहने का मतलब ये है कि इसमें 5G भी चलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस राउटर के बारे में जिसमें सिम डलती है, और ये राउटर ऑल सिम को सपोर्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है ये सिम वाला राउटर, और ये ऑनलाइन मेरे को दिखाई नहीं है दिया, बट अगर दिखाई देगा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको परचेज़ करना होगा। आज हम मेरे पास जियो की सिम भी है, मेरे पास आइडिया वोडाफोन आइडिया की भी सिम है। मैं दोनों सिम इस राउटर में डाल के स्पीड चेक करवाऊंगा और आपको क्लियरली बता दूंगा कि आपको ये वाला राउटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आप बोल रहे होगे कि भाई ये 5G है या फिर 4G है। पहले आपको अनबॉक्सिंग देखनी होगी, उसमें सारी डिटेल लिखी है कि ये 5G है या फिर 4G है। तो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला है राउटर और देख सकते हैं 4G LTE लिखा गया है, CPE लिखा गया है, और बैक में देख लेते हैं और यहाँ पे सारे पे को 4G 4G लिखा गया है। कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ से मर्जी कनेक्ट कर लो, और यहाँ पे 4G और यहाँ पे सिम इंसर्ट के बारे में लिखा है, और एक्सटर्नल 4 एंटीना है, RGB कलरफुल इसमें स्मार्ट देखने को मिल जाती है लाइट्स, और इसमें सिक्योर नेटवर्क और इंटरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और इसमें कोई नहीं लिखा गया है। ये इसको खोलते हैं, डब्बा खोलने से पहले ये देखिए, एक इसमें आ जाता है DC अडाप्टर जो कि एक मोटी पिन वाला है, मोटी सी पिन है, और इसको साइड में करते हैं, और फिर आ जाता है हमारा एक इंटरनेट वाली जो RJ45 वाली वायर, जिसकी लेंथ को मैं आपको बता दूं, लेंथ इसकी काफ़ी शॉर्ट होगी, ठीक है, लेंथ इसकी बहुत ही शॉर्ट है। हंसी क्या मजाक किया है ये देख के इन्होंने, काफ़ी लेंथ शॉर्ट है। बट इसकी बात कर लेते हैं, इसकी वायर कितनी बड़ी है तो इसकी वायर देख लेते हैं। इसकी वायर लगभग 1 मीटर मेरे को लग रही है, इसकी वायर DC अडाप्टर की ज़्यादा है। देख लेते हैं इसका अम्पेयर वगैरह, देख लेना भाई स्क्रीनशॉट लेके कितना है। अब जो मेन हमारा सिस्टम आ जाता है, मेन जो हमारा राउटर है यही है। देख सकते हैं सामने से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बट मेन बात इसमें दिखाई गई है ये 4G और 5G, कहने का मतलब ये है कि इसमें 5G भी चलेगा और वाईफाई विद अल्ट्रा स्पीड, ठीक है, पर यहाँ पे LTE लिखा है, XM लिखा है, और पीछे से देख लेते हैं, पीछे से मॉडल नंबर दिखाई देता है, सिस्टम दिखाई देता है, और आपको यहाँ पे IP दिखाई देता है, वेट इसका कितना है, और वाईफाई इसका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट इतना होगा, और मैन्युफैक्चरर डेट भी लिखी है, 4G वाईफाई अल्ट्रा राउटर, ठीक है, यहाँ पे 4G अल्ट्रा वाईफाई राउटर लिखा है। बट भाई ये कंपनी वालों की चालाकी देख लो कितनी है कि हम लोगों को भरवाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4G तो लिखा ही है, साथ में 5G लिखा है ताकि लोग 5G के चक्कर में इसे बाय कर लें। बट मैं आपको बता दूँ, इसमें 5G नहीं चलेगा, ये कंपनी वाले झोल करते हैं। कई कई दुकानदार वाले ऐसे भी कहते हैं कि आपको अपडेट आ जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिक 5G चलने लगेगा, बट ऐसा नहीं होएगा, आपको 5G नहीं चलेगा इस राउटर में, क्योंकि भाई इसमें वो बैंड ही नहीं है ना जो 5G को सपोर्ट करेंगे। तो बैंड तो इसमें भाई 4G वाले हैं, तो 4G वाले बैंड में 5G चल नहीं सकता, ठीक है। तो अभी इसमें मेरे पास सिम है, तो पहले तो हमें सिम डाल लेता हूँ मैं। तो मेरे पास अभी जियो की सिम है, तो ये देख सकते हैं मेरे पास जियो की सिम है, तो मैं जियो की सिम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी सिम डलेगी, सिम जो है नैनो ही सिम डलेगी, ठीक है, तो इसकी सिम ऐसे ही डलेगी मेरे हिसाब से, तो ऐसे डलेगी सिम, ये वाला हिस्सा इधर जाएगा और ये वाला इधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं सिम ट्रे ले लेता हूँ, सिम ट्रे लेके इसको लगाता हूँ, ठीक है, ये लग गई सिम, और जहाँ से टिक की आवाज़ आएगी तो यहाँ पे रीसेट बटन भी दिया गया है, और इंटरनेट पोर्ट की वायर एक ही है, ठीक है, यहाँ पे पावर के लिए हमें देखने को मिलता है जिसके द्वारा इसमें पावर लगे। तो जैसे कि इसकी लाइट एक ब्लिंक करने लग गई है, जो LTE लिखा गया, जहाँ पे वाईफाई वाला भी जग रहा है, ठीक है,
तो मेरे पास एक और मोबाइल है, कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई को। हम देख लेते हैं, ये देखिए पहले BSNL का कनेक्टेड है मेरे पास ऑलरेडी, बट इसमें आ रहा है 4G Mi FI। इसमें 2.4 GHz और 5 GHz वाला चक्कर नहीं होता, इसमें एक ही होता है, मतलब कि 2.4 GHz ही होता है, क्योंकि ये 5 GHz वाला नहीं है, ये अकेला ही 4G राउटर है। इसका पासवर्ड वही है डिफ़ॉल्ट जो हमने पीछे देखा था कि, तो मेरे को भी नहीं मालूम है कि इसमें 5G चलेगा नहीं चलेगा, बट मेरे को इतना तो मालूम है कि इसमें 5G चलेगा नहीं, क्योंकि ये 5G इसमें 5G चलेगा नहीं क्योंकि ये 4G राउटर है। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका होता है 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो हम पहले हमने इसमें हमने डाली है जियो की सिम। बता दूँ कि मेरे एरिया में अकेला ही 4G है, 5G अवेलेबल नहीं है, ना ही मेरे जियो का 5G है, ना ही मेरे VI का 5G है, ना ही एयरटेल का, किसी कंपनी का मेरे यहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि मेरा मोबाइल काफ़ी पुराना है, इसी वजह से दिक्कत आ रही थी, बट जिस मैं से डायरेक्ट PC से लगा के आपको चेक करवाता हूँ। भाइयों एक चक्कर पड़ गया इस जियो की सिम में, क्योंकि ये वाले राउटर में जियो की सिम अभी वर्क नहीं कर रही है। पहले मैंने डाली थी जियो की सिम, चल रही थी, मैं आपको स्पीड टेस्ट स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, बट अभी चल नहीं रही है। मैंने जब दूसरी बार डाली तो मैंने आइडिया की डाल रही है, VI की सिम में मैंने इसमें डाल दी है। अभी ये RJ45 के थ्रू कनेक्टेड है और देख सकते हैं अभी ये नीली वाली जो लाइट है वे स्टेबल है, ठीक है। अगर ये इसकी स्टेबल नहीं रहती है ना, नीली वाली लाइट जो जल रही है ना, तो इसका मतलब ये है, जो ये नीली वाली लाइट नहीं होती ये वाली, अगर ये स्टेबल नहीं है, मतलब ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा। अगर ये स्टेबल है तो समझ लेना कि आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है, ऊपर वाली वाईफाई वाली है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसका क्या माजरा है सारा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी सर्वर पकड़ रहा है, तो कौन सा सर्वर पकड़ेगा, तो चंडीगढ़ का फॉक्सेल कम्युनिकेशन का पकड़ा है इसने, तो देखते हैं कितनी स्पीड ये लेता है राउटर के द्वारा। पिंग तो हाई आएगी भाई, स्पीड तो भाई ये लस्सी घोल देगा स्पीड के मामले में, तो क्योंकि भाई 4G के ज़माने में, सॉरी 5G के ज़माने में भाई 4G तो ऐसा ही चलेगा, तो अपलोड स्पीड तो भाई इसमें आ ही नहीं रही, कहाँ चल गई यार, छपनी हो गई यार, अपलोड स्पीड का नामो निशान ख़त्म हो गया भाई, देख लो इतना बुरा हाल है। तो जियो की सिम वर्क नहीं कर रही, VI में स्पीड का इतना बुरा हाल है, क्या इसको लेना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी ब्राउजिंग करके देख लेते हैं, अगर हम थोड़ी ब्राउजिंग भी करते हैं तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। ब्राउजिंग के मामले में भी ये कुछ खास नहीं है, इतना फास्ट नहीं है, तो सिर्फ ये टेस्टिंग के पर्पस से मैं लेके आया हूँ, इसको थोड़ा यूज़ करूँगा अच्छे तरीके से। देख लो मैं यूट्यूब कितना देर हो गया मेरे को खोले हुए, तो ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई इसका, देख लो बहुत बुरा हाल है भाई। अगर आपको लेना होगा, अगर आपके यहाँ पे स्पीड अच्छी आ रही है तभी लेना, अदरवाइज आप इस राउटर को मत लेना, जो ये वाला 4G राउटर मैंने आपको दिखाया है। अगर कोई कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो, जियो की सिम इसमें वर्क पहले कर रही थी बट अभी नहीं कर रही है, ठीक है, बट मेरे को मालूम नहीं है क्यों नहीं कर रही है। आशा रखता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी, बढ़िया लगी तो लाइक कर दें, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जय हिंद।